हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस हस्तनापुर लेकर चलते हैं जो कि मेरठ सिटी से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान यहाँ पर पुराने महाभारत कालीन अवशेष अनेकों बार मिले हैं। फ्रेंड्स, परिवार के साथ पिकनिक मनाने का भी समय निकालना चाहिए। समय के अनुसार दूर या पास का प्लान कर सकते हैं। अपने बूढ़े माता पिता को भी साथ लेकर जाइए, इससे खुशियाँ और बढ़ती हैं। हम लोग इंचोली पहुँच चुके हैं। देखिए, एक जगह घास में हेज से कितना सुंदर इंचोली लिखा हुआ है। ऐसे तो कलाकारों को भी सलाम है। ग्रीन इंचोली। कहीं कहीं पर सड़क बन चुकी है, वहां पर सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। ये छोटे मवाना वाला मोड़ आ गया है। यहाँ से राइट हैंड पर मवाना खुर्द की ओर चले जाते हैं और सीधे मीरापुर भैसोमा बिजनौर की ओर निकल जाते हैं। मवाना खुर्द, छोटा सा गांव कह दीजिए या कस्बा कह दीजिए, ये मवाना खुर्द रास्ते में पड़ता है। फ्रेंड्स, हम मवाना पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफी ट्रैफिक है। वाओ, बच्चे गाड़ी में मैगी बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक केटल है कार को सपोर्ट करने वाली, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। मैगी बन रही है, पूरी गाड़ी में मैगी की खुशबू आ रही है। हस्तनापुर जा रहे हैं, बड़ा एंजॉय हो रहा है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, एंजॉय कीजिए आप भी। मैं घर से रिलेटेड जगह है, वो बहुत अच्छी लगती है। ये बड़े अम्मी है हमारी। मम्मी, कहाँ जा रही हो आप? मम्मा बैठी है हमारी। आज हम हस्तनापुर जा रहे हैं। जब पांडव बहुत गौरव है, पीछे चाचू बैठे हैं, छोटा बैठा है। हस्तनापुर के लिए, अब हस्तनापुर पास ही है। हस्तनापुर 5 से 10 मिनट में हस्तनापुर पहुंच जाएंगे। ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए हस्तनापुर पहुंच चुके हैं और ये बंदर उछल कूद कर रहे हैं। बड़ी नहर से पहले दुपट्टे का स्टॉल मिला, प्राइस भी रीजनेबल थे। इन स्मॉल स्टॉल वालों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हस्तनापुर में पुराने टीले के बराबर में ये रोड है। ये तराई वाला एरिया है। लोकल लोगों ने बताया कि इसे बूढ़ी गंगा माता वाला क्षेत्र कहते हैं। आगे जाकर रोड काफी पतली हो गई थी, अब हमने यहाँ से गाड़ी वापस मोड़ ली है। ये हस्तनापुर सेंचुरी है। ये हस्तनापुर का प्राचीन छोटा सा पहाड़ है जिसपे महाभारत कालीन अवशेष अब भी है, कुछ बचे हुए। लोकल लोग इसे टीला बोलते हैं। ये शरीर की सफाई चल रही है। ध्यान दीजिए कि 3 मंदिर जम्बूद्वीप पर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, अब जम्बूद्वीप के अंदर एंटर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हस्तनापुर पहुंच चुके हैं। हस्तनापुर में एक बड़ी फेमस धार्मिक स्थान है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप पर है, एक व्यू लीजिए। इस जगह को बड़ी ही अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही ग्रीन क्लीन ये एरिया है और ये एक धार्मिक स्थान भी है। हमारी टीम अंदर आ चुकी है। टीम के सबसे छोटे सदस्य झटपट सबसे पहले हाथी पर चढ़कर बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि कह रहे हैं कि हाथी को हम आगे चला ही देंगे। एलिफेंट पे तो मैं पहले भी बैठा हूँ, पर इतने छोटे एलिफेंट पे तो मैं पहली बार ही बैठा हूँ। फ्रेंड्स, ये सुमेरु पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई काफी अधिक है। फ्रेंड्स, अब हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं। पूरी टीम बोटिंग साइट के लिए कूच करती हुई, सबको बोटिंग बहुत पसंद है। सुमेरु पर्वत। फ्रेंड्स, बोटिंग का आनंद लेने के लिए अब हम लोग बोट में बैठ रहे हैं।
फ्रेंड्स हमारी बोटिंग शुरू हो गई है। फ्रेंड्स हमें सबको बोटिंग काफ़ी पसंद है। हम कहीं भी घूमने जाएं अगर वहां पर बोटिंग की फैसिलिटी है हम बोटिंग ज़रूर करते हैं। अभी जो हमने सुमेरु पर्वत दिखाए थे बोटिंग इन्हीं के चारों तरफ की जाती है, लगभग 10 मिनट की ही राइड रहती है। कलकत्ता में 6 साल रहकर आया हूँ मैं। अच्छा, लेकिन वो गेम शो माला मास्क के अलावा और कुछ नहीं सीखा मैंने। अच्छा, फॉलो वासी। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर कई झूले हैं। फिलहाल हमारी टीम कोलंबस झूले के लिए जा रही है। झूला चालू भी हो गया है और ये काफी तेज झूला है, काफी तेज झूला रहे हैं। ट्रेन शुरू होने वाली है, ट्रेन स्टार्ट। ट्रेन में धक्का लगा दिया है। फ्रेंड्स बच्चों की रेलगाड़ी चलती हुई और ये रेलगाड़ी छुप 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 नहीं करती। रेलगाड़ी ने 5 राउंड लिए हैं और अब राइड फिनिश हो गई है। ये एक ट्रेन खड़ी है जिसका नाम है हंसी के गोलगप्पे और ये हस्तनापुर जंक्शन पर खड़ी है। वापस जाते हुए अब फ्रेंड्स कारपेट की तरह हरी घास देखकर कुछ देर वहाँ पर आराम करने के लिए लेट गए, बैठ गए। प्रकृति के पास पहुंचकर हमें तो सबको बहुत अच्छा लगता है। हम सब प्रकृति प्रेमी हैं। काफी थकान के बाद कुछ देर आराम भी तो बनता है। लॉन्ग जंप लगाते हुए जिसकी लंबाई 15-20 फुट बिल्कुल नहीं है, अचानक पता नहीं एक बिन बुलाए मेहमान कहां से आ गया। चश्मा लगा रहे थे क्या इसके? इसका मत लगाओ, ये मेरा चश्मा है। टीम के सबसे छोटे सदस्य ने भी लॉन्ग जंप मार के दिखाई। हस्तनापुर एक सेंचुरी भी है। अब कुछ देर हम नाइट ड्राइविंग के लिए निकल पड़े। बिल्कुल सुनसान एरिया है, देखें आगे क्या होता है। जो ये नहर वगैरह है, इधर गंगा है, गंगा माता है, गंगा नदी, तो उसमें जो है क्रोकोडाइल भी है, डॉल्फिन भी है। हस्तनापुर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, सोचा मेला भी देखते चले। झूला शुरू हो गया है, झूला। यहाँ पर हम लोगों ने सबने मेला देखा और झूलों को एंजॉय किया। रूरल एरिया का छोटा सा मेला था पर एंजॉय फुल हुआ। हस्तनापुर में चिल्ली पटेटो पटेटो में लगे हुए हैं, देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत टेस्टी चिल्ली पटेटो है यहाँ के। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। बहुत टेस्टी चिल्ली पटेटो थे आपके। फ्रेंड्स फुल एंजॉय करने के बाद अब हम अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।